इंदौर में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के जीवन की फेल का है, जहां तीन बदमाशों ने की युवक पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। घर में युवक को उपचार के लिए एम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में देर रात परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के जीवन की फेल में रहने वाले भानु नामक युवक पर क्षेत्र की लिस्टेड बदमाश राकेश और उसके साथी शुभम सहित एक अन्य युवक ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें भानु गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल भानु को तत्काल उपचार के लिए एम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। एम्बा से सूचना आई थी, रोड नाम से थाना जाटमी में एम्बा हॉस्पिटल आया। मजरू भानु पिता संजय उम्र 19 साल निवासी 193 नई जीवन की फेल को चाकू लगा था, जिसने बताया कि राकेश भोई, राजेश भोई और शुभम ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। मना करने पर माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ दी और राकेश ने जान पर चाकू मारा तथा तीनों ने घसीटा, जिससे उसके हाथ में, पैर में और अंगूठे में चोट लगी। तो तीनों बोल रहे थे कि आज के बाद पैसे देने से मना किया तो जान से खत्म कर देंगे।